वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका VGMI की तबाहदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आज VGMI खेलते हैं, तो मैंने सोचा चलो VGMI खेलते हैं तो गेम प्ले बना लेते हैं, साथ में थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो मैंने यार गेम प्ले भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो आज हम जा रहे थे कंटेनर पर उतर रहे थे, और इस लोकेशन का मेरे को नाम नहीं पता है, क्योंकि यार देखो यार मैं VGMI बिल्कुल भी नहीं खेलता, तो मुझे यहाँ के लोकेशनों का नाम भी नहीं पता। और यहाँ पे मैं लूट कर ही आता, और मैं लूट करते करते यहाँ पे आता हूँ, मेरे को मिल जाती है यहाँ पे थम्सअप, और थम्सअप उठाने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ बंदे के फुटप्रिंट के साउंड आ रहे थे, और मेरे को लग रहा था कोई ना कोई बंदा तो है कंटेनर के ऊपर। और जैसे ही मैं रश करता हूँ, सामने बंदा रश करता है, आप लोग देखना इस बंदे के साथ क्या होता है। तो ये भाई साहब यहाँ पे जंप एंड शूट करते हैं, और इस भाई साहब को मैं इजी निपटा देता हूँ थम्स अप से। और इसे निपटाने के बाद मेरे को आगे से कुछ फायरिंग के साउंड आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे रश करता हूँ, और भाई वहाँ पर भी होते हैं बंदे, और उसी के साथ मैं आ जाता हूँ सामने की साइड जहाँ से फायरिंग के साउंड आ रहे थे। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे को सामने की साइड से एक बंदा भागते हुए नजर आता है, और मैं इसे बिना टाइम वेस्ट करे नॉक कर देता हूँ। तभी मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर ये सामने वाले घर के अंदर से आ रहे थे कुछ बंदे के फुटप्रिंट की आवाज़। उसी के बाद मैं यहाँ पे एक मॉलेट डाल देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करें, तभी ये भाई साहब नीचे कूद जाते हैं। और इसी के साथ इस वाले बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसकी पेटी लूटता हूँ। तो मैं इस बंदे की पेटी लूट के जा रहा था, तभी मेरे को सामने की साइड से एक बंदा भागते हुए नजर आता है। तो चलो यार सबसे पहले इसे बजाते हैं। और इसी के साथ इस वाले बंदे को भी नॉक एंड फिनिश डालता हूँ, और यहाँ से नॉक एंड फिनिश करके जा ही रहा था, तभी मेरे टीममेट यहाँ से गाड़ी लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे गाड़ी में बैठता हूँ, चलते हैं बंदों के ऊपर रस करने के लिए। और हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे थे, उसी के बाद सामने से कुछ फायरिंग के साउंड आते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे फायरिंग का साउंड सुन लिया होगा, और यहाँ पे ये ब्लू वाले घर के अंदर बंदा होता है। तो यहाँ पे ये एक ही बंदा होता है, तो ये फिनिश हो जाता है। और जैसे इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ से गाड़ी उठाते हैं दोबारा से, क्योंकि यार यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है, तो हम लोग गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं बंदे के ऊपर रस करने के लिए। और तभी हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे थे, उसी के बाद कुछ पीछे से फायरिंग के साउंड आ रहे होते हैं, और आप लोगों ने यहाँ पे सुन भी लिए होंगे। उसी के बाद हम बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे गाड़ी घुमाते हैं और रश कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक टैडी देखने को मिलता है, और वो एक बंदा उस टैडी को मार रहा था। तो यहाँ पे वो किल चोरी हो जाता है, वो मेरे टीममेट लोग मार देते हैं। तो अब बचा होता है यहाँ पे वो टैडी, तो बजाते हैं उसी को फिर। और इसी के साथ ये टैडी पता नहीं क्या कर रहा है, इसे गाड़ी के ऊपर कूद रहा था, और यहाँ पे मेरा टीममेट इस टैडी को फिनिश कर देता है। और इसी के बाद हम लोग इसकी लूट वगैरह मिलती है, तो हम इसकी लूट वूट करते हैं और यहाँ से जा रहे थे। उसी के बाद मेरे को सामने की साइड से एक बंदा दिखाई देता है, तो यार बजाते हैं फिर इसको भी। और इसी के साथ यार इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, और इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं इसकी पेटी वेटी लूटता हूँ, और पेटी वेटी लूटने के बाद यहाँ से मैं जा रहा था। उसी के बाद मेरे को सामने की साइड से एक बंदा भागते हुए नजर आता है, तो चलो यार सबसे पहले इसे बजाते हैं। और इसी के साथ यार ये वाला बंदा भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम लोग जाते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी में बैठते हैं यहाँ से, और निकल जाते हैं डायरेक्टली बंदों के ऊपर रस करने के लिए। Let's go! और यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, उसी के बाद मेरे को अपार्टमेंट में दिखाई देता है एक भागते हुए बंदा। Mark
चलो और मैं इस वाले बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट यार ये जो किल है वो चोरी हो जाता है, हमारे टीममेट लोग किल चोरी कर लेते हैं। उसके बाद इस बंदे की पेटी लूटता हूँ और पेटी लूटने के बाद हम लोग यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, फिर से निकल जाते हैं बंदों के ऊपर रस करने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकल ही रहते हैं। उसी के बाद इन भाई साहब की एंट्री होती है और भाई साहब ये इतनी तेजाई से बाइक लेके जाते हैं, भाई दिखाई तक नहीं देते दूर तक। और यहाँ पे मैं स्प्रे देने की भी कोशिश करता हूँ, बट यार वो बंदा भाग जाता है और गायब हो जाता है, छुमंतर हो जाता है, वो बंदा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। उसी के बाद हम लोग जा ही रहते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं उसी के बाद हमें रोड पे दिखाई देती है एक यूजेट। और यहाँ पे मैं काफी ज्यादा फायर करता हूँ एंड डैमेज देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ मिलता है हमें वो बाइक वाला बंदा जो छुमंतर हो चुका था। और इसी के साथ इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और यहाँ मेरा टीममेट उसे कंधे पे उठा के ले जा रहा था, मैं सोचा भाई कहाँ ले जा रहे हो, इसे फिनिश करो पहले तो। और इसी के साथ यार इस वाले बंदे को फिनिश करते हैं और इसकी पेटी वेटी लूटते हैं। अब बारी थी जो यूजर से सामने साइड बंदे दिखाई दिए थे, अब उन पे रस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और जैसे मैं सामने की साइड जाता हूँ मेरे को वहां पे दिखाई देता है वो टैडी जो यार पिछली बार भी दिखाई दिया था, वो टैडी दिखाई देता है और साथ में यूजर के पास होते हैं बंदे, तो चलो यार इन्हें सबसे पहले बजाते हैं। तो यहाँ पे मैं बंदों को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट यार बीच में यार ये टैडी आ जाता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्प्रे चला जाता है। उसी के बाद ये टैडी मेरे पास आ जाता है बॉल बनके तो यहाँ पे वो टैडी मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और उसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बंदे मेरे को M4 सेशन से नॉक कर देते हैं और मैं अपने टीममेट के पास आकर रिवाइव लेता हूँ। रिवाइव लेने के बाद यहाँ पे मारता हूँ फटाक से फर्स्ट किट और मेरा यहाँ पे एक टीममेट नॉक भी हो चुका था तो मेरे को उसको बचाना भी था, तो फटाक से मैं यहाँ पे हील वील करता हूँ और डायरेक्टली चला जाता हूँ उन बंदों पर रश करने के लिए। यहाँ पे मेरे स्प्रे मिस हो जाता है तभी ऊपर में दिखाई देते हैं बंदे और इसी के साथ यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे बंदे को मैं फिनिश भी कर देता हूँ। और उसी के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे यहाँ पे दोनों टीममेट नॉक पड़े। उसी के बाद सामने साइड दिखाई देता है बंदा और मैं यहाँ पे स्प्रे देता हूँ, बट यार मेरे यहाँ पे गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी के बाद यहाँ पे मेरे टीममेट दोनों नॉक पड़े हुए थे और मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, ग्रेनेड से सामने की साइड वाले जितने बंदे मर जाएंगे, बट यार ये ग्रेनेड एकदम गलत छूट जाता है और यहाँ पे मैं एक गलती कर बैठता हूँ। और यहाँ पे मैं ओपन में रश करके सबसे बड़ी गलती कर देता हूँ और इसी के साथ मेरी पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे डेड हो जाती है और इसी के साथ हमारा जो चिकन डिनर था वो भी नहीं हो पाता है। तो आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना। तो गाइस यार आज की गेम प्ले वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग तबाहदार गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।